हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैशन डीवा कंचन। आज के ब्लॉग में कुछ सुपर एक्साइटेड होने वाला है। आज मैं अपनी न्यू कार लेने जा रही हूँ जो कि मेरे हस्बैंड मेरे लिए ले रहे हैं। हे एवरीवन, तो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग है तो ये थोड़ा सा मतलब अधूरा रह गया था, मैं ये कह सकती हूँ। मैंने कुछ टाइम पहले एक व्लॉग डाला था अपना न्यू कार का व्लॉग, जो कि मैंने बलेनो ली थी, तो वो अधूरा रह गया था। तो मैंने दो पार्ट्स में बनाया था, अभी उसकी पूजा वगैरह रह गई थी, तो वो वाला व्लॉग मैं आज शेयर कर रही हूँ आप लोग के साथ में। और इस व्लॉग में सिर्फ आपको गाड़ी की पूजा ही नहीं, इसके अलावा बहुत सारी मस्ती हम सारे लोग मिलकर करने वाले हैं, वो सब भी आप लोग देखेंगे। तो हमने अपनी कार की पूजा कहीं बाहर किसी और मंदिर पे ना करा के बल्कि अपनी सोसाइटी के ही मंदिर में कराई थी। हमारी सोसाइटी में राधा कृष्ण जी का बहुत प्यारा सा मंदिर है, वहीं पे ही हमने अपनी कार की पूजा कराई थी। कैसा लगा? फाइनली पूजा हैज बीन स्टार्टेड, पंडित जी आ चुके हैं। और अभी पूजा शुरू हो गई है, तो अभी हमारे जो नेवर्स हैं और जो फ्रेंड्स हैं वो तो आना बाकी हैं, क्योंकि उनके बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तभी वो लोग भी आएंगी और तब थोड़ा सा जो है हमारा मज़ा दुगना होता है हर चीज़ का। तो मुझे जब भी मज़ा आया था जब वो लोग आ गए थे, अच्छा लग रहा था, बट वो लोग आए तो और ज़्यादा अच्छा लगा। अरे पूजा कर लो, हाँ अभी करेंगे। पांच लोग हो जाएंगे। नहीं खेलने जा रहे हैं बस इतने। और गाइस, जब तक कार नहीं आई थी तब तक तो आरब को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी उसके आने की, और जैसे ही कार आ गई उसके बाद उसके उसके फ्रेंड्स दिख गए सोसाइटी में, तो वो खेलने भाग गया। तो गाइज, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस, कमेंट्स प्लीज़। और आज का ब्लॉग कैसा लगा वो ज़रूर बताना। और ये देखिए अनु दीदी आ गई। थैंक यू, बहुत अच्छी कार है, मज़ा आ गया देखा। मैं सोचू क्यों इतना टाइम लग रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन आंटी, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आप और पूछ दो इसको, इससे पूछ दो, यहाँ शास्त्र बना दो। माला कहाँ से लाए? अच्छा पता था कि माला की जरूरत पड़ेगी।
गाइज, मेरी तरह ही बहुत सारे लोग बाहर जॉब की वजह से न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, और इस तरीके से देखो हम लोग भी बाहर रहते हैं, बट हम लोग जितने भी नेवर्स हैं आपस में एक फैमिली की तरह रहते हैं, एज अ फैमिली हर एक खुशी और हर एक दुख में मतलब साथ रहते हैं। हर एक खुशी में जब साथ होते हैं तो उस खुशी का ना मज़ा दुगना हो जाता है। तो बस आज का दिन भी हमारा बहुत अच्छा गया और हम सब लोगों ने साथ में एंजॉय किया, और अभी देखोगे आप आगे इस व्लॉग में हमने कितना एंजॉय किया। अरे रखा ही तो है इसमें, क्या है ऐसे उंजली में लो और जरा जरा सा डाल, लाओ मैं डाल दूं, नहीं तो सेल बोलते सेल कर कुछ। गाइज, ये हमारा फेवरेट काम है, हंसना। जब भी हम साथ में होते हैं इसी तरीके से हंसते और मुस्कुराते और खुश रहते हैं। तो भी देखिए, मेरे हस्बैंड जा रहे हैं, गाड़ी मेरी है कहने को, लेकिन मुझे छोड़ के सारे बैठ के जा रहे हैं घूमने के लिए। गाइज, आप लोग जानते हैं हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, ये जो भी नेवर्स हैं, तो हम लोगों में इस सब में क्या अच्छी बात है, एक बहुत अच्छी बात है कि किसी के घर में भी कुछ भी आता है, किसी की भी कोई खुशी होती है ना, तो सारे ऐसे खुश होते हैं जैसे मतलब उनकी खुशी हो, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी की तरह लेते हैं। तो ये सबसे अच्छी बात है, और इतना खुश हो रहे थे, इतना हल्ला कर रहे थे, पूरी सोसाइटी में लग रहा था हाँ भाई किसी की न्यू कार आई है ऐसा, जबकि और कोई ऐसे नहीं करता है। ये हाथ में क्या रखा हुआ आपने? अच्छा, तो फाइनली मेरा नंबर आ ही गया और मैं भी बैठ के जा रही हूँ घूमने, बट अभी मैं चला के नहीं जा रही हूँ, अभी विनीता दी ड्राइव करेंगे, क्योंकि वो भी अपनी कार मतलब हमारे फ्लोर पे जितनी भी लेडीज़ हैं ना सब ड्राइव कर लेती हैं कार्स। तो अभी विनीता दीदी देखना चाह रहे थे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है इसको चलाने के बाद, और अभी मेरे हस्बैंड ने चलाई थी सेकेंड टाइम विनीता दीदी ने, इसके बाद देखिए अभी और भी कोई चलाएगा। मैंने नहीं लगाया ब्रेक ना, तेज भैया जैसे लगा रहे हैं, क्योंकि अब मेरी आदत नमस्ते बेटा। तो अब बारी है नीले भैया की, जो कि विनीता दी के हस्बैंड है। तो अभी वो ऑफिस से आए थे और नीचे मिल गए, तो उन्होंने कहा क्यों ना मैं भी चांस मारी लेता हूँ। नहीं है, नहीं एंट्री कर लेना, नहीं एंट्री तो कर लेंगे। मिठाई अभी देंगे, अरे ड्राइवर है भाई, नहीं ऐसे ना हम तो ड्राइवर है, चलेंगे बनाए। अरे भैया हम जा रहे हैं, जो लोग खड़े हो ना मेरे ही रह जाएंगे, फिर लगा लेंगे ना, आप यहीं से घूम के वापस चलो, जो खड़े हैं नहीं तो परेशान हो जाएंगे। आइसक्रीम तो खाना पड़ेगा ना। चलो नया आइसक्रीम नहीं मिलेगी।
जिस दिन मैंने गाड़ी ली थी उस दिन वेदर इतना अच्छा था, एकदम सुहाना वाला मौसम था, रेनबो भी देखने को मिला हम लोगों को। फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं बिना बताए सबको आइसक्रीम खाने। नीले भैया बोले नहीं मेरे को तो आइसक्रीम चाहिए चाहिए, और देखिए फिर क्या होता है। आगे गए थे आइसक्रीम खाने और क्या खाने को मिला। तो सुंदर है ना, नई नई कार में बैठ के रेनबो देख रहे हैं। हाँ, नई गाड़ी में बैठ के रेनबो देख रहे हैं। रेनबो भी गाड़ी देखने आया है। कैसी याद करा रहे हैं ना, वीडियो वीडियो बोल के यार कलर के आपका बंदा है? हाँ जी नहीं, मेरा बंदा है। देखिए कभी कौन है उस दिन ये मैडम कौन है? दीदी बोलेंगे पहुंच के पता चला कि सबका बैड लक था और यहाँ का जो फ्रीजर था वो ख़राब था, तो आइसक्रीम नहीं मिली किसी को भी खाने को। और अब सबको डांट खाने को मिलने वाली है आइसक्रीम की जगह पे। तो अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और जो लोग हमारा वेट कर रहे थे उनसे डांट पड़ेगी हम लोगों को कि हम लोगों को यहाँ वेट करा के कहाँ चले गए थे। वेदर कुछ भी को बहुत अच्छा, एकदम मस्त बारिश हो रही थी, बहुत अच्छा था। लेकिन डांट खाने को मिल गया आइसक्रीम की जगह पे। मैं तो बाहर से बाहर ही नहीं ले जा रहा था, बाहर चलो बाहर चलो, फिर कहते यहाँ मोड़ो क्या। तो जब हम लोग वापस आ रहे थे सारे के सारे लोग नीले भैया की जो टांग खींच रहे थे, क्योंकि विनीता दीदी घर पे रह गए थे, तो बस मौका मिल गया था मीनू दीदी को। तो और मीनू दीदी हमारे थोड़ा सा ज़्यादा हंसी मजाक करती हैं, इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हैं, उनकी वजह से जो माहौल है वह काफ़ी खुशनुमा बना रहता है हमारे फ्लोर पर। तो अभी फ़िलहाल हम लोग घर जा रहे हैं। और कैसा लग रहा है आज का व्लॉग कमेंट ज़रूर करना, एक लाइक ज़रूर करना। जो लोग मेरे व्लॉग में पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो वो लोग प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। आपने कहा चुप चुप जाता हूँ।